ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यूं तो कांग्रेस विधायक और मंत्रियों का मानदेय अच्छा खासा है, लेकिन अजीब बात है कि बावजूद इसके पार्टी फंड में सालाना 300 रुपए जमा कराने में भी उन्हें जोर आ रहा है। यह बात कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। पार्टी के 50% नेताओं का नो ड्यूज अभी भी बाकी चल रहा है। इसके चलते मनमोहन कमेटी की सिफारिशों का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। इसके मुताबिक 31 दिसंबर तक पार्टी फंड में मंत्री और विधायकों को पैसा जमा कराना था, लेकिन अभी तक केवल 50% नेताओं ने ही इस काम को अंजाम दिया है। मनमोहन कमेटी की सिफारिशों के बाद बने नियम के अनुसार कांग्रेस मंत्री, विधायकों और लाभ के पदों पर बैठे नेताओं को एक महीने का वेतन हर साल पार्टी फंड में जमा कराना जरूरी है। पीसीसी सदस्यों को सालाना 300 रुपए और एआईसीसी सदस्यों को 600 रुपए सालाना पार्टी फंड में जमा करवाना होता है। इस नियम के मुताबिक 31 दिसंबर तक पार्टी फंड में मंत्री, विधायकों को पैसा जमा करवाना था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम एवं पीसीसी चीफ सचिन पायलट एक महीने का वेतन पार्टी फंड में चेक के जरिए जमा करवा चुके हैं। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के कई मंत्री और नेता नगद पैसा पार्टी फंड में जमा कराने की बात पर अड़ गए, लेकिन पार्टी ने नकदी लौटाते हुए चेक से ही पैसा पार्टी फंड में जमा करवाने को कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी फंड में 2000 रुपए से ज्यादा का योगदान नकद नहीं लेने के नियम की सख्ती से पालना की जा रही है। राजस्थान के एक वरिष्ठ कांग्रेस विधायक तो नकद पैसा जमा नहीं करने पर नाराज होकर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट तक पहुंच गए। हालांकि पायलट ने भी उन्हें चेक से ही पैसा जमा कराने की सलाह देकर वापस भेज दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस के टिकट पर किसी भी तरह का चुनाव लड़ने से पहले पार्टी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है। ऐसे में एक तरह से परंपरा सी चली आ रही है कि चुनाव के वक्त ही अधिकांश नेता पार्टी फंड का बकाया चुकाते हैं। कई पीसीसी और एआईसीसी सदस्य पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वे अब पैसा जमा कराने की लाइन में खड़े हो गए हैं। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव महेश शर्मा का कहना है कि 50% नेताओं ने पार्टी फंड में पैसा जमा करा दिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है। अन्य नेता भी पैसे जमा करवा रहे हैं, जल्द पैसा जमा हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।